हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल में भी स्वागत है, प्लस मेरे एफबी पेज है प्रोटॉन एकेडमी, ठीक है। तो उस सभी में भी स्वागत है मेरे वीडियो हर यूट्यूब चैनल और प्लस प्रोटॉन एकेडमी फेसबुक पेज पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे सभी फ्रेंड का फिर से स्वागत है, मेरे स्टूडेंट हुए या मेरे जो फ्रेंड्स हुए, ठीक है। आज हम ना चालू करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, हमने इसके प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ना गोल्डन रूल बताए थे कि पर्सन अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसके गोल्डन रूल बताए थे। लेकिन ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है ना, मतलब उसके अंदर क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल क्या, ये मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं किया था, ऊपर ऊपर से मैंने बता तो जरूर दिया था। तो आज मेरा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल बनाऊं, बताऊं, प्लस आज का जो सेक्शन है ना ये काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं करूं, जिससे आप भी बोर हो जाएंगे, जो मैं चाहता नहीं हूं। इसके लिए मैं इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आज के सेक्शन में आपको मैं पर्सन अकाउंट क्या होता है वो बताने वाला हूं, नेक्स्ट उसके सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं ई पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सन के बारे में बात करेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो और एक चीज, ये जो मेरा आज का सेक्शन है, प्लीज फ्रेंड और मेरे सब भी आप अपने दोस्तों को शेयर करो। रीजन ये जो बेसिक है ना, और मेरे ऐसे फ्रेंड है, खुद मेरे डीवाई के स्टूडेंट को देखा है जिनको जनरल एंट्री मारने में भी तकलीफ होती है, उनको नहीं समझ में आता कि जनरल एंट्री मारे कैसे, ठीक है, ये एंट्री का क्या है। और वो ना यही रीजन है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं है अकाउंट का, जिसकी वजह से उनको अकाउंट टफ लगता है, ये इस चीज से भागते हैं। जो नहीं भागते इज वेरी गुड, लेकिन जो भागते हैं, मेरा कंसर्न इस वक्त तो उन लोगों के ऊपर है कि उनको समझे, ठीक है। तो ये सिर्फ कोई 11 बच्चे या 12 बच्चों के लिए नहीं है, ये 11 12 13 14 15 16 17 मतलब एफ जो जूनियर बच्चे, एम कॉम के बच्चे, बी कॉम के बच्चे, सभी लोगों के लिए है। प्लस इसके अलावा कोई है इंसान या आपके पेरेंट्स होंगे या कोई भी पर्सन, ये हर किसी के लिए बहुत यूजफुल है। और पहली बात ये स्टडी है, ठीक है, ये खराब नहीं होता, ये नॉलेज ना कभी वेस्ट नहीं होता, इसे यूज किया जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों को दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लस मेरे प्रोटॉन एकेडमी जो मेरा क्लास है उसके फेसबुक पेज के लिंक को आप लोगों में शेयर करें, आप सभी अपने फ्रेंड्स लोगों को दें जिनसे उनका बेनिफिट हो और ये चीज उनको समझे, क्योंकि वो खुद आप लोगों को याद रखें कि आप लोगों ने हेल्प किया। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करें, ठीक है, कमेंट भी करें। अगर किसी को इन लेक्चर में कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो प्लीज कमेंट करें, मैं मेरे जाते जाते हो सका तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा या तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हो जाएगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट में पहला नाम है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन मैंने इधर एग्जांपल दिया, मैं समझाऊंगा लेकिन पहले एग्जांपल दे देते हैं क्या क्या है। अमित अकाउंट, सूरज अकाउंट, दीपक अकाउंट, नेहा अकाउंट, सूरज अकाउंट मतलब मेरे ही नाम मैंने डाला है, ठीक है। नेचुरल पर्सन में, नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जिस पर्सन में जो इंसान बोल सकता है, देख सकता है या कुछ एक्टिविटी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब जी है, मतलब जीते हुए इंसान है कि मरे हुए, ये टेबल वेबल, ये पेन में मतलब पेन में नहीं, दीवार विवार ये सब भी है, लेकिन ये इंसानों में नहीं आते, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन हम सूरज हुआ, दीपक हुआ, रवि हुआ, रवीना हुई, राकेश हुआ, ये सब जो इंसान आते हैं, ठीक है, नेहा हुई, ये सब ना इंसानों के नाम है, ठीक है, जिसमें जान है, जो बोल सकता है, देख सकता है, दोस्ती कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन का शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना अपने दिमाग में कि वो पर्सन होता है जो पर्सन देख सकता है, बोल सकता है, बातें कर सकता है। एग्जांपल अगर कभी कोई किसी ने पूछा तो खुद यही बोल देना कि जो मेरा नाम है वही नेचुरल पर्सन है। जो आपका, जो सामने वाला पर्सन पूछेगा उसको बोल देना जो आपका नाम है वो भी नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन अकाउंट में तीन है, ठीक है, पहला है नेचुरल पर्सन, सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आई होप, आई थिंक कि आपको नेचुरल पर्सन बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या, हमें ना नाम से पकड़ना चाहिए कि ये चीज लिए वर्ड का मतलब क्या होगा। जो पकड़ पाते अच्छी बात, जो नहीं पकड़े उनके लिए मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन दे लो। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल की बात करो तो आर्टिफिशियल से हमें ये समझ पाता कोई चीज बनाया हुआ है, ठीक है। अभी तो पहले एग्जाम्पल देखते क्या है, बाद में हम बात करेंगे। पहला है
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अकाउंट, सेकेंड है सूरज स्पोर्ट क्लब अकाउंट, ठीक है, थर्ड है मुंबई केमिकल लिमिटेड अकाउंट, फोर है प्रोटोन एकेडमी, जो मेरे खुद के क्लास का नाम है, ठीक है प्रोटोन एकेडमी याद रखना, ठीक है। और सुनते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। नेचर पर्सन तो आप तो समझ गए कि जिस पर्सन में जान हो, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, ठीक है। हम सब जैसा मैंने बोला, मेरा नाम, मेरे फैमिली का मतलब, मेरे फैमिली मतलब मेरे फादर मम्मी, आपके फादर आपके मम्मी आपके भाई, ठीक है, उसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया हो, जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया हो। एग्जाम्पल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अकाउंट, ये भगवान के द्वारा है। हम सब तो मतलब अपने पेरेंट्स, ये पेरेंट्स भी भगवान के द्वारा आए थे, लेकिन ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अकाउंट का भगवान के द्वारा आया था? नहीं, हम इंसान इस धरती पे है, हम इंसानों ने ये नाम रखा है ना, ठीक है। तो उस जब इंसानों ने नाम रखा है, इसके लिए उसको बोला आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कोई नाम है। आई फॉर एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है सूरज स्पोर्ट क्लब अकाउंट, ठीक है, सूरज मेरा ही नाम है, इधर भी मैंने मेरा सूरज अकाउंट डाला हुआ था, ठीक है, मैंने मेरा एक स्पोर्ट क्लब चालू कर दिया, मैंने मेरा एक स्पोर्ट क्लब चालू कर दिया, तो ये खुद ब खुद बन के आया क्या ऊपर से, मैंने ये नाम दिया है, ठीक है, मैंने इसके लिए मेरा नाम पहले लगाया है सूरज स्पोर्ट क्लब अकाउंट, इसके लिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर क्या है, मुंबई केमिकल लिमिटेड, कोई बिजनेसमैन का नाम मतलब कोई केमिकल वेमिकल, ठीक है, बिजनेस है। फोर्थ है प्रोटोन एकेडमी, ठीक है, अच्छा प्रोटोन एकेडमी ये जो मेरा क्लास है प्रोटोन एकेडमी, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, नहीं ना, ये प्रोटोन एकेडमी हमारे जो सर है, हम सभी लोगों ने ना बैठ के इसका नाम डिस्कस किया है, ठीक है, और ये नाम हमने रखा है क्लास का, ठीक है। तो हमने ये समझ में आना चाहिए नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जिसमें जान है, जो देख सकता है, जो मैं बार बार रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में मैं अब भी याद करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो घूम सकता है, मतलब हम सब, मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सबके जो नाम होंगे वो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या, जो हम लोगों ने बनाया हो, हम लोगों ने किसी को एक नाम दिया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये मत समझना कि आपने अपने बच्चों को नाम दिया तो आर्टिफिशियल पर्सन, वो देख सकता है, वो बोल सकता है। हाँ, आपने कोई अपने बिजनेस को नाम दिया है या कोई गवर्नमेंट कंपनी को, मतलब कोई गवर्नमेंट का इंसान हो, अपने कोई गवर्नमेंट का नाम रखना चाहता हो, उसको नाम दिया, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप कि आप लोगों को नेचर पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन समझ गया हो। अगर आप लोगों को नहीं समझा है तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थर्ड मेरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में है पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट होता है क्या? आई थिंक कि जो SY EY में उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता हो, या FY वाले बच्चों को भी पता हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लेकिन हम मेजोरिटी बच्चों को अभी भी नहीं पता, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों को समझेगा, आप लोगों की भाषा में ही एक्सप्लेन करूंगा, भाषा में इस तरीका में, ठीक है। मैं ना थोड़ा इधर ना GA BM को लेकर थोड़ा लीन करने वाला हूँ, सो मुझे माफ करना जो भी मैं मेरा वीडियो देख रहा है, जो बॉयज को या जो स्टूडेंट को पसंद नहीं है GA BM का, तो उनके लिए सॉरी। और हाँ, जो मेरे ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देखने वाले मेरे स्टूडेंट के या तो कोई अदर्स, तो प्लीज पहली बात तो सभी लोग देखिए, बहुत अच्छा है, जो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। अगर हाँ थोड़ा GA BM को लेकर होगा तो मुझे माफ करना, लेकिन बच्चों को वो चीज जल्दी समझ में आती है, ये रीजन है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्या है, ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे क्लास के जो दो बच्चे हैं उनका ही नाम लेता हूं। पहला है रवि, थर्ड है अमित, ठीक है। अगर रवि की एक GF हो, ठीक है, अगर बोला है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, GF हो, ठीक है, प्यारी सी स्वीट सी, ठीक है, और GF ने ना रवि के सामने कंडीशन रखा है कि मैं आपकी GF तभी बनूंगी जब आप मुझे कहीं अच्छे प्लेस मीन्स गोवा, गोवा समुद्र के वहां घुमाने लेके चलोगे, तभी मैं आपको अपना BF मानूंगी। तो रवि के दिल में आ गया यार, इसको GF तो बनाना है, दिल से प्यार करता हूं, अभी GF बनाने के लिए गोवा बोल रही, घूमने के लिए गोवा का खर्चा नहीं बोलते बोलते 30,000 रुपया, कितना है 30,000 रुपया गोवा का खर्चा है, और मेरे इस पॉकेट में
पैसा तो एक रुपया भी नहीं है, तो 30,000 किधर से लाओ, कैसे लाओ? तब इसको याद आता है कि अमित एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन है, जो मेरे साथ मेरे प्रोटोन एकेडमी में साथ में पढ़ा। मैंने इसके लिए बोला ना मेरे दो स्टूडेंट है, तो मेरे प्रोटोन एकेडमी में पढ़ा है, मेरा दोस्त है, मैं जरा इससे हेल्प मांगता हूँ। तो ये ना रवि ना जाता है अपने दोस्त के पास, अमित के पास। अमित को बोलता है भाई सुनना, ए भाई सुनना, मुझे ना थोड़े पैसे की जरूरत है, देगा क्या? अमित बोलता भाग भाग, तुझे कौन पैसा देने वाला? बोलता अरे भाई दे देना, तेरी भाभी को घुमाने लेके जाने का है गोवा। अबे तू अपनी वाइफ को लेके जाना है तो मैं क्यों दू पैसा, मैं नहीं देता, जा भाई जा। बोलता भाई दे देना यार, तुम अच्छे दोस्त थे, क्लास में साथ में थे, मैं तेरा बहुत हेल्प करता था। तो अमित ने थोड़ा ऐसा दिल से कहा चल भाई भाई बोलता है। अमित ने बोला अच्छा ठीक है ले, 30,000 चाहिए, ले मेरे तरफ से 30,000 लेके जा। तो ये जो 30,000 है ना, जो अमित ने किसको दिया? रवि को दिया। किसको दिया? रवि को दिया, अपनी जेब को घुमाने के लिए। अच्छा ये रवि इससे 30,000 लेके ये 30,000 अमित को पैसा लौटाएगा नहीं कभी? डेफिनेटली लौटाएगा। क्यों? क्योंकि रवि के सर के ऊपर कर्जा है। कितने का कर्जा है? 30,000 का कर्जा है। जब 30,000 का सर पर कर्जा है उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसी को याद नहीं ना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? अपने सर के ऊपर हाथ रख देना और ये याद करना मेरे सर पर कर्जा है, मेरे सर पर उधारी है किसी का। जब किसी के सर पर उधारी होता है उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई होप कि आप लोगों को समझा हो। सेकेंड है इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा कंटिन्यू करता हूं। रवि को अमित को कितना दे रहा था? 30,000। और रवि ना फॉर एग्जांपल 15 का स्टूडेंट है। ठीक है, 15वीं में पढ़ता था। बंदे ने पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लेके आ गया। कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक लेके आ गया। और उसके फादर, भाई बच्चे अगर कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो फादर का दिन तो डेफिनेटली फादर मदर का दिन बहुत हैप्पी हो जाता है। तो उनके फादर ने, रवि के फादर ने रवि को 50,000 दिया। कितना दिया? 50,000 कि ले रवि जा, तूने 15वीं में बहुत मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, सो इसके लिए तू कभी घुमा फिरा नहीं होगा, मैं 50,000 देता हूँ, जा जितना घूम फिरना है घूम फिर ले। तो रवि के हाथ में 50,000 आ गया। अब रवि ये 50,000 का करे तो करे क्या? पहली बात, अपने दोस्त से कितना पैसा लिया था? 30,000 लिया था, राइट? 30,000 उसने लिया था, सर के ऊपर कर्जा है ना, जो सर पर कर्जा उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन रवि के पास ना अभी 50,000 है। सोचा भाई जो मेरा अमित करके दोस्त था उसको पैसा लौटा देता हूं कि जब भी मेरे को फिर से जरूरत हो तो अमित मुझे दे दे। लेकिन ना रवि ने सोचा मेरे पास 50,000 है, 10,000 ना मैं मेरे खर्चे के लिए ले लेता हूं। किसके लिए ले लेता हूं? खर्चे के लिए। तो बचा कितना? 40,000। कितना बचा? 40,000। और ये 40,000 अमित ने ना, ये रवि ने पूरा अमित को दे दिया। ठीक है, पूरा अमित को दे दिया। बचा कितना? कितना ज्यादा पैसा दे दिया अमित को? देना तो 30,000 था लेकिन दिया कितना? 40,000। ज्यादा कितना दे दिया? 10,000 रवि ने अमित को ज्यादा दिया। बोला भाई जिस दिन मुझे जरूरत होगा ना मैं फिर से तेरे से ले लूंगा। अच्छा एक्चुअली अगर देखा जाए तो अमित को आना कितना चाहिए था? 30,000, लेकिन आया कितना? 40,000। कितना ज्यादा आया उसको पैसा? 10,000 ना। इसी 10,000 को हम बोलेंगे इनकम रिसीविंग एडवांस। भाई उसका खर्चा नहीं था, उसको तो पहले से आ गया, बाद में देना ना, वो तो देखा जाएगा, लेकिन उसको तो इस समय इनकम है। अमित को रिसीव हुआ इनकम रिसीविंग एडवांस। आई थिंक आप दोनों को ये दोनों चीज बहुत अच्छी तरह समझाओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। ठीक है, जो सर पर कर्जा है। इनकम रिसीविंग एडवांस, इनकम रिसीविंग एडवांस मतलब जो पहले से पैसा मुझे आ गया है। ठीक है, मैं बार बार इसी के लिए बोला कि आपके दिमाग में याद कराना, ये मेरा मेन मोटो है। ठीक है, आई थिंक अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा एग्जांपल जो बहुत इसलिए बनाया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी बातों से ही आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो मैं इसको रब करता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगे थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाना है तो मेरे इस वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन लेके बना सकता है। ठीक है, चलिए हम उसके बाद जाते हैं मेरे प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस नाम से नहीं कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रीपेड नाम से। मैंने बोला ना वर्ड से जरा एक्सपेंस मतलब खर्चा है, कुछ तो खर्चा है मेरे तरफ से।
प्री पे, ऐसा लग रहा है कि जो पहले से, प्री मतलब पहले से जो मैंने पे किया है। क्या है, मैं एग्जांपल देके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एग्जांपल किसके ऊपर दू, मेरे रिश्तेदार लोगों पे दू कि आप लोगों पे दू, जरा सोच रहा हूं। आप लोगों पे देना बेकार है, किसी और पे ही दे देता हूं, ठीक है। चलो एक्स पर्सन, ठीक है, किसी पे नहीं, किसी और पे देता हूं। और ये वाई पर्सन, दो पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन का नाम कार का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, कार का, ठीक है। मेरी डायग्राम इतनी कोई खास नहीं है, समझ लेना। किसका बिजनेस करता है, कार का बिजनेस करता है। ये बंदे का बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। नॉर्मल मतलब दिखने में नॉर्मल, अभी वो एक्चुअली है कि नहीं वो एग्जांपल में समझेगा। ये इस ना एक्स के पास आता है, जो इसका दोस्त होता है। ये एक्स के पास आता है, बोलता है एक्स, एक्स सुनना मेरी बात, सुनना मुझे ना एक कार चाहिए। एक्स ऐसा मुगर, क्या तुझे कार चाहिए, अबे तू गरीब है, तू मेरा कार क्या लेगा, तेरे को पता है मेरा एक कार कितने का है। एक्चुअल अमाउंट नहीं, मजाक कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया है। नहीं तो आप लोग सोचिए 5 लाख में कार मिलता है, मिलता है, अभी तो मिलने में नैनो वैनो मिल जाता है, तो मिल जाएगा। इसको बोलता है एक्स, बोलता है अरे तू गरीब है, तू मेरा एक कार कहां से खरीदे, तेरे पास 5 लाख रुपया भी है क्या ना। तो ये वाई को बहुत गुस्सा आ जाता है, थोड़ा क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे कि मैं गरीब हूं, तेरा एक कार कितने का है, 5 लाख रुपए का ना, ठीक है, मैं तुझे आज का आज 7 लाख देता हूं। कितना देता हूं, 7 लाख। तूने बोला तेरा एक कार का प्राइस है 5 लाख रुपया, ठीक है, मैं तुझे ना 2 लाख रुपया, कितना, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा देके जा रहा हूं दूसरे कार का। ये कार तो अभी मैं, एक कार तो अभी लेके जाऊंगा, दूसरा कार मैं तेरे से बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन उसका पैसा मैं तुझे अभी से बोल रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि मैं गरीब नहीं, तूने मुझे गरीब बोला ना। तो ये जो 2 लाख रुपया है जो वाई ने खर्चा किया है, कार खरीदने के लिए खर्चा किया है, इसका कार आ गया क्या, अभी तक नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर जब भी ये इसके पास से कार खरीदेगा जो 5 लाख का था, ये इसको फिर से 5 लाख रुपया देगा, वाई एक्स को फिर से 5 लाख रुपया देगा, कि ये 2 लाख घटा के जो बचा हुआ 3 लाख वो देगा ना। तो ये जो 2 लाख है इसने पहले से खर्चा करके रखा है, लेकिन इसका बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाला है, क्योंकि 5 लाख की जगह उसे 3 लाख देगा। जो खर्चा हमने पहले से करके रखा है उससे बोल, उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाले, उससे बोलते प्रीपेड एक्सप्रेस। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा हो कि प्रीपेड एक्सप्रेस होता क्या। प्रीपेड एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस होता है कि जो खर्चा हमने पहले से कर दिया हो, लेकिन उसका बेनिफिट लेना बाकी, जो बेनिफिट हमें बाद में आने वाला है, ठीक है। हम फोन पे जाते हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ठीक है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं। वाई ने एक्स को, ठीक है, 7 लाख रुपए दिया, जो एक कार आ गया उसके घर पे, वाई के घर पे एक कार आके खड़ी हो गई है, ठीक है। दूसरे कार का पैसा दिया, लेकिन दूसरा कार आया नहीं है। अब ये तो इसका दोस्त एक बिजनेसमैन है, भाई बिजनेसमैन वालों के पास ना बहुत दिमाग होता है, क्या होता है, बहुत दिमाग होता है। तो ये ना एक्स ने बहुत प्यार से वाई के पास जाता है, उससे अच्छे से बातें करता है, तू तो मेरा दोस्त है यार, गुस्सा होगा, तू मजाक कर रहा था, तू गरीब है, सब तू गरीब है, अरे तुम्हें 7 लाख रुपए दिया, तू कैसे गरीब हो, अरे तू तो बहुत अमीर है, तूने बोला है ना कि 2 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, तेरा बाकी कितना है, 3 लाख रुपया, कब देगा ये 3 लाख रुपया। तो उसने बोला मैं देता हूं 10/11/2018 को मैं तुम्हें ये पैसा दे दूंगा। तो 3 लाख रुपए देना बाकी है। तो ये तो बिजनेसमैन, इसने भी दिमाग लगाया कि भाई ये तो मेरा एक अच्छा खासा कस्टमर है, 2 लाख रुपए पहले से एडवांस देके रखा, सिर्फ 3 लाख रुपए बाकी है, और वो ये दिन में तो दे देगा, ठीक है। तो ना ये जानबूझ के अपना कस्टमर बना के रखने के लिए एक्स क्या बोलता है, अब पैसा कब देने वाले हो, 10 तारीख को देने वाले ना, आपके घर पे 8 तारीख 2018, आप दोगे 11 तारीख 2018 को, मतलब 10 तारीख 11 महीना 2018 को मुझे पैसा देने वाले हो, और उसके बाद में आपको कार देने वाला हूँ ना। लो मेरे तरफ से, आप मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हो और मेरे दोस्त भी हो, ठीक है, और पैसे वाले भी हो, तो इसके लिए मैं आपका जिस दिन आप पेमेंट करने वाले हो उसके 2 दिन पहले, मतलब 8 तारीख 11 महीना 2018 को आपके घर के सामने आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ये
एक्स रहा वाई के घर पे बरोबर 8 तारीख 11वां महीने के दिन कार उसके घर के वहां पहुंचा देता, दोनों कार आ जाता फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, दो दिन के बाद जब डेट आता है 11 तारीख 2018 का, जब डेट आता है तो वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्स को पैसा दे दे, कितना 3 लाख रुपया जो बचा हुआ था वो दे दे। लेकिन ये तारीख पे वाई ने एक्स को 1 रुपया भी नहीं दिया। किस तारीख को? 10 तारीख 11वां महीना 2018 को वाई ने एक्स को 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब इस एक्स पर्सन को इनकम आने वाला था, कितना? 3 लाख रुपया इनकम आने वाला था, बट आया क्या? 10/11/2018 को नहीं आया। मीन इनकम का ड्यू डेट आया बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम का ड्यू डेट आ गया लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझा हो। ठीक है, सो मैं फिर से एक बार रिविजन करवा देता हूं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, नेचर, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो बातें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आपका नाम, किसी और हमारे मम्मी पापा का नाम, ठीक है, उसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल वो पर्सन होता है जो नेचुरल पर्सन ने कोई नाम रखा हो, जैसे एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा हुआ सूरज स्पोर्ट क्लब, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट, ठीक है, सो ऑन, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो सर पर हाथ रख रहा है, सर पर कर्जा है, जो जिसके सर पर कर्जा होता है उस कर्जे को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, की वो कर्जा देना बाकी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, मैंने कुछ खर्चा रहा, मुझे ना कुछ पैसे पहले से आगे, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको देना था 30,000, ठीक है, अमित को, लेकिन दिया कितना 40,000, 10,000 एक्स्ट्रा दे कि मैं बाद में लूंगा। मतलब कोई इनकम ना मुझे पहले से आ गई है, खर्चा अभी तक किया नहीं, बात का बाद में करूंगा। इधर अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने खर्चा कुछ पहले से कर चुका है लेकिन उसका बेनिफिट लेना बाकी है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, भाई इनकम का दिन आ गया था आने का लेकिन आया नहीं। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच कि मेरे इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एग्जांपल के साथ बहुत डिटेल में समझाया। आगे का इन पर्सन अकाउंट में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट उसमें बनने वाला है वीडियो में। सो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को देना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, क्योंकि आप लोगों के लाइक, आप लोगों के शेयर, आप लोगों के कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलते हैं, हम मोटिवेट होते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो बनाने में और जोश आता है। सो प्लीज आप मेरे अपना यूट्यूब चैनल सूरज पटेल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस मेरे फेसबुक पेज पे, अगर आप अपने एफबी पेज पे जाइए, अपने एफबी अकाउंट पे जाइए, उस पर लिखिए प्रोटोन एकेडमी, उधर भी मेरे ये चैनल के, मेरे इस यूट्यूब चैनल के मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। सो प्लीज उसको भी फॉलो करो, लाइक करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है इम्पर्सनल अकाउंट, सेम चार्ट होगा, हर एक चीज आप लोगों को लिखना है, अभी से इस वीडियो में लिख के रखिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन आ जाने के 5 सेकंड के लिए मैं इस वीडियो को ऐसे ही रखता हूं कि आप शॉर्ट स्क्रीन लेके इसे लिख ले। सो बाय फ्रेंड।